सभी के लिए लेकर आई हूँ मटर मखाने। ये सब्जी बहुत जल्दी झटपट बन जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। उसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी मखाने। सेम 1 कटोरी ही उसमें हम ऐड करेंगे मटर। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए 1 इंच अदरक का बारीक काट लिया है, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ हैं, ये हरी मिर्च से जो लाल हो जाती हैं वो ताजी मिर्च हमने इसमें 4 ऐड करे हुए हैं, 2 हरी इलायची ऐड करे हुए हैं, 2 बड़े प्याज को हमने काट लिया है और 2 टमाटर को हमने। एक कढ़ाई ली हुई है, उसमें हम तेल ऐड नहीं करेंगे। अब हम मखाना रोस्ट करना है तो उसके लिए हम 1/2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। तेल से होता क्या है दोस्तों कि जो मखाने वो अंदर उसके हो जाता है, तो ये घी यदि हम ऐड करेंगे तो घी से मखाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस इस तरह हमें मखाने को हल्का सा रोस्ट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, 2 मिनट हो चुके हैं, हमारे मखाने रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसको अलग कर लेंगे। अब हमें इसी कढ़ाई में 1/2 टेबल स्पून तेल ऐड करना है। ओनली 1/2 टेबल स्पून तेल ऐड करेंगे। जो हमारे मटर हैं अब हम उसको ऐड करेंगे। इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। सब्जी बनने में बहुत जल्दी बन जाती है यदि इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। गैस हमेशा मीडियम रहना चाहिए। अब हम इसमें हल्का सा नमक ऐड करेंगे ताकि ये मटर हमारे बहुत जल्दी पक जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारे मटर एकदम गलकर तैयार हो चुके हैं। हाथ से छूकर देखिए, एकदम दबने लगे हैं ये मटर। अब हम गैस कर देंगे बंद और सारे मटर को अलग रख लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता है, बस इसी तरह हम सारे मटर को निकाल लेंगे। अब हम सेम 1 टेबल स्पून फिर इसमें तेल ऐड करेंगे। 1 टेबल तेल ही इसमें गया हुआ है। अब इसमें जाएगी हमारी प्याज। गैस को थोड़ा तेज कर दीजिएगा, हल्की ब्राउन होने तक, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी प्याज, तब तक हमें इसे पकाना है। लहसुन जाएगा और ये 2 हरी इलायची ली थी वो हल्का गोल्डन होने तक इसी तरह तल लेना है। लाल मिर्च, ये लाल मिर्च का टेस्ट बहुत गजब का आता है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन ये 4 मिर्च में तीखा नहीं आएगा, सेम बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। टमाटर सब्जी चॉप किया हुआ था, इसको ऐड करना है। थोड़ा सा ही हमें नमक ऐड करना है क्योंकि हमने मटर में भी नमक ऐड करा हुआ है। मैं भी ऐड करेंगे थोड़ा सा, हमें ग्रेवी में जाएगा। इसी तरह इसको करके हमें ढक के रख देना है। तो जो चीज़ जब तक हमारी सब्जी पक रही है, जो हमने ग्रेवी तैयार करी, तब तक हमें ये 1 टेबल स्पून बड़ी टेबल स्पून के करीब हमारी खसखस है। खसखस भी बहुत हेल्दी होती है। इसको हम सिलबट्टे की सहायता से एकदम फाइन पीस लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे इस तरह से। ये मिक्सी से फाइन नहीं, इस तरह से एकदम फाइन पीस लेना है। इससे सब्जी का जो टेस्ट आता है दोस्तों, बहुत गजब का टेस्ट आता है। बस इसी तरह हमें पीस लेना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, एकदम फाइन मैंने क्रीम की तरह इसको पीस कर रेडी कर ली हूँ। अब इसको हम फिर से कटोरी में निकाल कर रख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह हमारी जो हमने टमाटर इसमें रखे हुए थे गलने के लिए, 5 मिनट के हमने गैस स्लो कर दिए थे, अब हम बंद कर देंगे। ये हमारे टमाटर एकदम गलकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर इसके बाद हम इसको एकदम फाइन पीस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, एकदम फाइन हमने इसको पीस लिया है। अब चलिए इसको हम फ्राई करते हैं। अब हमने सेम वही कढ़ाई ली हुई है। अब हम उसमें 2 टेबल स्पून के करीब तेल ऐड करेंगे। तेल ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। यदि आप चाहें तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, बटर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हल्का सा तेल हमारा गर्म हो जाए। ये देखिए दोस्तों, हल्का सा तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 बड़ी टेबल स्पून कसूरी लाल मिर्च ऐड करेंगे।
ये तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, गैस एकदम स्लो है। अब इसमें जो हमने ग्रेवी ग्रीस कर रखी हुई थी एकदम फाइन, उसको हम ऐड कर देंगे। गैस हमेशा याद रखिएगा स्लो रहने दीजिएगा। देखते हैं जो हम लाल मिर्च ऐड करे हुए थे वो ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने स्लो गैस में करे थे इसीलिए इसका कलर बराबर रहा। बस इसी तरह हमें इसे मीडियम गैस पर बहुत अच्छे से मसाले को भूनना है जब तक तेल ना छोड़े, क्योंकि इसे जो सारी सब्जी का जो टेस्ट है वो मसाले में ही रहता है। जितना हम इसे स्लो गैस में फ्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा इसमें। हल्का हल्का तेल छोड़ने लगा है हमारी ग्रेवी। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पीस कर रखी हुई थी ये खसखस। ये आप देख सकते हैं खसखस का टेस्ट इतना क्रीमी इतना टेस्टी आता है कि पूछिए ही नहीं, बहुत टेस्टी बनती है। और ये मैंने लिया हुआ है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून होममेड गरम मसाला। ये गरम मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में हमने लिया हुआ है, ये मैंने पहले से ही ऑलरेडी आप लोगों के लिए डालकर रखा हुआ है, तो आप मेरे वीडियो में जाकर देख लीजिए लेना है। और ये हमने ली हुई है 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी, तो उसको हम दोनों हाथों की सहायता से क्रश करके डालेंगे। इसी तरह इसको डाल देंगे। यदि आप इसमें बटर से बनाना चाहते हो, घी से बनाना चाहते हो, आपका जो मन चाहे आप उससे बना सकते हो, फ्राई करते रहना है। ग्रेवी हमारी तेल छोड़ने लगी, अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। बस इसको ये 2 मिनट तक इसी तरह चलाते रहेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक याद रखिएगा दोस्तों, हमने मटर में भी नमक डाला हुआ था और ग्रेवी में भी नमक डाला हुआ था, तो एकदम थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बस इसी तरह हमने स्लो गैस में इसको 2 मिनट और सोटे कर लिया है, ठीक है। और थोड़ी ज़्यादा मात्रा में रखिएगा ताकि आप और दूसरी सब्जी में भी इसको ऐड कर सकें। बस इसी तरह हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये हमारे यहाँ 6 लोग हैं, 6 मेंबर के हिसाब से मैंने ये सब्जी तैयार की हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये हल्का हल्का उबाल आने लगे हमारी ग्रेवी में। अब हमने जो घर में फ्रेश मलाई निकाली हुई थी 2 टेबल स्पून, इसको मैंने बहुत अच्छे से इस तरह से चम्मच की सहायता से मैश कर ली हूँ। यदि आपके पास अमूल क्रीम हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं घर की ही चीज़ें ज़्यादा ऐड करती हूँ, तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून घर की मलाई, फ्रेश मलाई ऐड कर रही हूँ। इस मलाई से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मखाने हमेशा याद रखिएगा कि ये घी में नहीं उसको करिएगा, 1/2 टेबल स्पून घी, शुद्ध घी से ही उसको फ्राई करिएगा, तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसको 2 मिनट के लिए अब हम ढक कर रख देंगे ताकि जो हमारे मखाने हैं उसमें ग्रेवी बहुत अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। इसको हम 2 मिनट के लिए स्लो गैस करके इस तरह ढक देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली हमारी सब्जी एकदम रेडी हो चुकी है। देखिए दोस्तों, मेरी सब्जी एकदम रेडी हो चुकी है। तो प्लीज़ दोस्तों, जी मेरी रेसिपी आपको पसंद आ दी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ तो मेरा विश्वास ही जुड़ा हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अनमोल रेसिपी को सब्सक्राइब करिएगा।